मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के राज्य में विधायक निधि के लिए भी विधायक से रिश्वत मांगी जा रही है। एमपी में चरम पर चल रही घुसखोरी का ये बड़ा खुलासा हुआ है और कांग्रेस सरकार को समर्थन देने वाली दबंग बीएसपी विधायक अपनी आपबीती के जरिए कुछ बता रही है और विधायक के इस खुलासे ने कमलनाथ सरकार के राज्य में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाकर सूबे की सियासत को गरमा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। कमलनाथ सरकार में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का साम्राज्य किस कदर पनप रहा है, इसकी पोल खोलती कोई और नहीं कांग्रेस को समर्थन देने वाली पथरिया से बीएसपी विधायक रामबाई नजर आ रही है। यकीन ना हो तो ये वीडियो देखिए। क्योंकि ये पैसों की मांग जो कर रहे हैं सरपंच, पूरे सरपंच हमारे यहाँ आए और ज्यादा नहीं जवाब, चुप रहो बिल्कुल, पैसे क्या होना चाहिए आज की डेट में। वीडियो में विधायक रामबाई दमोह जिले के कौशालय अधिकारी विवेक खारू को धमकाते नजर आ रही है। पैसों की मांग जो कर रहे हैं सरपंच, पूरे सरपंच हमारे यहाँ आए। अक्सर कमलनाथ सरकार को अपनी दबंगई से कटघरे में खड़ा करने वाली बीएसपी विधायक रामबाई की नाराजगी दरअसल अपने क्षेत्र में विधायक निधि निकलवाने के लिए मांगी जा रही रिश्वत को लेकर सामने आई है। कुछ सरपंचों ने रामबाई को शिकायत की थी कि विधायक निधि की राशि जारी करने के एवज में जिला कोषाधिकारी पैसे मांग रहे हैं। फिर क्या था, रामबाई सीधे पहुंची कोषालय अफसर के कैबिन में। आगे की तस्वीर वीडियो में साफ नजर आ रही है। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी भी कमलनाथ सरकार पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि रामबाई की बातों से ये सच्चाई भी सामने आ गई कि कमलनाथ सरकार कैसे रिश्वतखोरी को शह दे रही है। कमलनाथ की सरकार अकंट भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। पहले मंत्री कह चुके हैं, गोविंद सिंह जी ने कहा कि अवैध उत्खनन हो रहा है। उमर सिंगार ने कहा कि दिग्विजय सिंह शराब माफियाओं को और अवैध उत्खनन करने वालों को संरक्षण दे रहे हैं। इमरती देवी ने कहा कि इस सरकार में बिना पैसे दिए कोई तबादला नहीं होगा। और अब बीएसपी के विधायक भी कह रही हैं कि विधायक निधि भी लेनी है तो हमें पैसा देना पड़ता है। कमलनाथ जी जगिए, इस मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार प्रदेश मत बनाइए। इस मध्य प्रदेश की आबो हवा इतनी खराब मत करिए कि आगे आने वाली पीढ़ी इसको सुधार ना पाए। इस प्रकार से बीएसपी विधायक का बयान निश्चित रूप से बहुत गंभीर आरोप है। वहीं बीजेपी के हमलावर रुख पर कमलनाथ सरकार के मंत्री इस मामले में बोलने से बचते नजर आए। हालांकि मंत्री भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की बात जरूर कहते नजर आए। मैंने राम भाई का कोई वक्तव्य देखा नहीं है, अगर कोई बात होगी तो उनसे बात करके उसको क्लियरिटी लाया जाएगा और कोई ऐसा व्यक्ति जो इस संदर्भ में तथ्यों के साथ दोषी पाया गया उसको सजा दी जाएगी। बहरहाल ये पहला मामला नहीं है जब कमलनाथ सरकार में भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे हों। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जिस प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी को समर्थन करने वाले विधायक से ही विधायक निधि निकलवाने के लिए घूस मांगी जा रही हो तो फिर आम जनता का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं। पूरे सरपंच हमारे यहाँ आए और ज्यादा नहीं जवाब, चुप रहो बिल्कुल, पैसे क्या होना चाहिए आज की डेट में। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट, आर 19।